गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपने एस एस में सामाजिक अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है उसके निर्माण के लिए क्या क्या सिद्धांत है उन सिद्धांतों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि जब सामाजिक अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है जब इसको बनाया जाता है निर्माण किया जाता है तो उस समय ऐसे कौन से सिद्धांत है जिन सिद्धांतों को लेते हुए इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इसमें सबसे पहले सिद्धांत, सबसे पहला सिद्धांत है बालक मानने का। सबसे पहला सिद्धांत है बालक को केंद्र मानने का सिद्धांत। फिर दूसरा है क्रियाशीलता का। दूसरा क्या है? क्रियाशीलता का सिद्धांत। तीसरा है पर्यावरण को केंद्र मानने का सिद्धांत। उसके बाद चौथा है दूरदर्शिता का सिद्धांत। फिर है मानव संबंध को समझने का सिद्धांत। उसके बाद समुदाय को केंद्र मानने का सिद्धांत। फिर है रुचि का सिद्धांत। इसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। फिर है उपयोगिता का सिद्धांत। उसके बाद है लचीलेपन का सिद्धांत। अध्यापक से परामर्श का सिद्धांत।
समय की उपलब्धि का सिद्धांत और उच्च कक्षाओं की आवश्यकता को उच्च कक्षाओं की आवश्यकता को का सिद्धांत वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन ऊपर सब चीज है सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत है। जब सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है उस समय इस सिद्धांत को देखते हुए उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। इसमें जैसे सबसे पहले है बालक को केंद्र मानने का सिद्धांत यानी बाल केंद्रता का सिद्धांत यानी जब पाठ्यक्रम सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम बनाया जाता है या निर्माण किया जाता है तो उस समय बालक को केंद्र में रखकर बाल केंद्रित यानी बालकों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। सामाजिक अध्ययन में किसी स्तर के पाठ्यक्रम निर्माण के लिए उस स्तर से संबंधित बालकों के यानी जब पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो उनके स्तर से संबंधित चाहे उनकी योग्यता ले लो उनकी इच्छाएं ले लो उनकी रुचियां ले लो तथा उनका जो पूर्व ज्ञान है उस पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए ही यह पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है। हर अवस्था में पाठ्यक्रम क्योंकि बालक स्वभाव से क्रियाशील होते हैं अतः उनकी क्रियाशीलता को देखते हैं।
पर्यावरण से संबंधित, यानी बालक के आसपास के वातावरण से संबंधित जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं तथा उन परिस्थितियों को आधार बनाकर किया जाना चाहिए। क्योंकि जब जब हम बालक के पर्यावरण से संबंधित, उनके वातावरण से संबंधित उन घटनाओं उन परिस्थितियों को हम इसमें सम्मिलित करेंगे, तो विद्यार्थी उसको रुचिपूर्वक अध्ययन करेंगे। किया जाना चाहिए इस दृष्टि से, जैसे पारिवारिक हो, भौतिक हो, साहित्यिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, और परिवार से बाहर फैले हुए जो सामाजिक वातावरण है, उस सामाजिक वातावरण को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिससे कि बालक अपने पारिवारिक वातावरण के साथ साथ हमारा जो सामाजिक वातावरण है, उस सामाजिक वातावरण से भी अवगत हो सके। तो इस प्रकार सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में पर्यावरण को केंद्र मानकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। उसके बाद आता है दूरदर्शिता का सिद्धांत, यानी पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो कि बालक को वर्तमान आवश्यकताएं, बालक की वर्तमान, बालक की वर्तमान आवश्यकताओं की मांग को तो पूरा करे ही, बल्कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो कि उनको भावी जीवन के लिए भी, भविष्य के लिए भी बालकों कर सके। इसलिए दूरदर्शिता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे कि बालक वर्तमान की इन परिस्थितियों से तो अवगत हो सके, किंतु उनका जो भावी जीवन है, वह भावी जीवन उनको किस प्रकार से जीना है, उस भावी जीवन के लिए भी वह तैयार हो सके। इसलिए दूरदर्शिता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। क्योंकि सामाजिक अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है, वह बालकों को वर्तमान और वर्तमान से अवगत कराता है तथा भविष्य के लिए तैयार करता है। उसके बाद आता है मानव संबंधों को समझने संबंधित सिद्धांत, यानी सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मानव संबंधों को जानने, मानव संबंधों को, मानव संबंधों को जानने और समझने, जानने और समझने तथा अपेक्षित संबंध बनाने के लिए आवश्यक जो कौशल है, कौशल जिन संबंधों को बनाने की हम अपेक्षा करते हैं, उससे संबंधित जो आवश्यक इनको विकसित करना है, यानी सामाजिक अध्ययन का यह पाठ्यक्रम है। यह पाठ्यक्रम मानव संबंधों को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया जाना चाहिए, कि इसके अध्ययन से बालक जो है, मानव के जो संबंध है, उन संबंधों की जानकारी प्राप्त कर सके। संबंधों में कौशल और उनकी जो अभिवृत्तियां है, वह
सिद्धांत। अब चूंकि समुदाय बालकों को भविष्य संभालने में योगदान देता है, समुदाय क्या है, बालकों का भविष्य संभालने में योगदान योगदान देता है, साथ ही बालकों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि समुदाय विशेष को समझे, उसे व्यवस्थित होने तथा उसके कल्याण के लिए जो रचनात्मक सहयोग है, रचनात्मक सहयोग संगठित रूप से ग्रहण कर
सत्ता है। साबुन से धोना और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना, इन सब छोटे छोटे उपायों